नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जनवरी शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। थर्ड वेव के साथ ही राजस्थान में वैक्सीनेशन के टारगेट को तेजी से पूरा किया जा रहा है। 31 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन करने का सरकार ने टारगेट रखा है। प्रदेश में अब तक 94.6% लोगों के फर्स्ट डोज लग चुकी है, वहीं सेकेंड डोज 78% लोगों को ही लगी है। 19 जनवरी तक प्रदेश में 5,14,95,402 टारगेट जनसंख्या में से 4,86,92,936 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। 3,81,04,336 लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। राजस्थान के 7 जिलों में तय टारगेट का 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें जयपुर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, सीकर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बूंदी जिले शामिल हैं। 14 जिलों में 90% से 99% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें टोंक, जैसलमेर, नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़, राजसमंद, जोधपुर, बारां, चूरू, श्रीगंगानगर, अजमेर, अलवर और सवाईमाधोपुर शामिल हैं। 10 जिलों में 80% से 90% वैक्सीनेशन हुआ है। उदयपुर जिले के कुराबर थाना क्षेत्र के उमरडा में खेत में बने कुएं से एक महिला और पुरुष गिर गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को कुएं से बाहर निकाला, तब तक पुरुष की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि पुरुष के कुएं में गिरने पर महिला उसे बचाने के लिए कुएं में कूदी थी। करीब 100 फीट गहरे कुएं में गिरने से महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। 197 पदों पर होने वाली यह भर्ती परीक्षा 12 और 13 फरवरी को 3 पारियों में होगी। इनके लिए 2 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 12 फरवरी को 2 पारियों में होगी। इसमें पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। 13 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक सिर्फ एक ही पारी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए 2 से 3 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यह दोस्ती, विश्वास और भरोसे की हत्या की कहानी है। ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए चंद रुपयों के लिए 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त का मर्डर कर दिया और लाश को गायब करने के लिए ग्लाइकोट माही नदी में फेंक दिया। बांसवाड़ा जिले की अर्थूना थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी को नदी में युवक की लाश मिली थी। शव की पहचान योगेश निवासी वजाखरा के रूप में हुई। मृतक योगेश और हत्या करने वाले बोरी निवासी भाविक और शंकर तीनों दोस्त थे। भाविक और योगेश दोनों 12वीं में परतापुर में एक ही स्कूल में पढ़े थे। पुलिस ने बताया कि पिछले 3 साल से भाविक को ड्रग्स की लत लग चुकी थी, जिसके बगैर वो रह नहीं पाता था। इस लत से पीछा छुड़ाने के लिए उसके परिजनों ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी पिछले साल रखा था। नशे के लिए भाविक ने काफी रुपए लोगों और दोस्तों से उधार ले रखे थे, जिसे उतारने के लिए भाविक योगेश से रुपए चाहता था। नहीं देने पर भाविक ने योगेश से लूट के इरादे से उसकी हत्या कर दी। जयपुर जिले की रेनवाल थाना पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और दूसरे नाबालिग आरोपी को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने बताया कि थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें बताया कि 15 जनवरी को 2 नाबालिग बालिकाएं स्कूल जा रही थी। इसी दौरान ब्रेजा कार में 2 युवक कैलाश चंद व एक अन्य आए और बीच रास्ते से ही जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर दोनों नाबालिगों का अपहरण कर ली गए। दोनों आरोपियों ने नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी कैलाश चौधरी निवासी प्रेमपुरा डांसरोली दांतारामगढ़ को गिरफ्तार किया है। वे एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। जयपुर जिले की बस्सी थाना क्षेत्र में सर्दी से बचाव के लिए सिगड़ी जलाकर कमरे में सोया परिवार हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 5 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। मौजमाबाद में तहसील कार्यालय के पास राजा जी के कुएं के पास सर्दी से बचाव के लिए सिगड़ी जलाकर कमरे में दंपति 2 बेटियों के साथ सो रहे थे। दम घुटने से सभी लोग बेहोश हो गए। गेट के पास सो रहे महेश को होश आया तो 18 माह की मासूम बेटी का हाथ सिगड़ी में झुलस रहा था। पत्नी सीता देवी बेहोश मिली, जिसकी मौत हो गई। दूसरी बेटी सौम्या को अस्पताल में उपचार के बाद स्वस्थ है। झुलसी बेटी का जयपुर SMS अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
उदयपुर जिले में दिन दिहाड़े एक आदिवासी महिला से गैंगरेप का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता बिना साड़ी सड़क पर दौड़ते हुए पहुंची पुलिस चौकी। इस पर पुलिस ने तुरंत एफएसएल टीम बुलाकर मौका मुआयना करवाया। पीड़िता गांव के कच्चे रास्ते से पीहर जा रही थी, इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और उन्होंने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद पीड़िता जैसे तैसे युवकों के चंगुल से छुटकर बिना साड़ी अपना बचाव करते हुए वहां से भागी और थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया। पुलिस घटना के बाद दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सिरोही जिले में झोलाछाप डॉक्टरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज से झोलाछाप डॉक्टर को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। दुकान से दवाइयां जब्त की गई। बीसीएमओ डॉक्टर एसपी शर्मा ने स्वरूपगंज कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में एक दुकान पर छापा मारा। दिलीप कुमार बंगाली को लोगों का इलाज करते हुए पकड़ा गया। डॉक्टर के पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। दुकान के अंदर अंग्रेजी दवाइयां पड़ी थी। झोलाछाप को पकड़कर पुलिस को सौंपकर मामला दर्ज करवाया गया। नागौर जिले के परबतसर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग को फोन पर बातों में उलझाकर उसके मोबाइल में एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाकर 1,30,493 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ठग ने करीब 45 मिनट तक फोन पर बातें कर पीड़ित को झांसे में लिया। उसके बाद एक लिंक भेजकर उसके मोबाइल में एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाई। उसके बाद जब दोनों की बात खत्म हुई तो ठग ने फोन कटा तो पीड़ित के मोबाइल पर धड़ाधड़ 6 मैसेज आए। चेक किया तो पीड़ित के खाते से 6 बार में 1,30,493 रुपये निकल गए। पुलिस ने पीड़ित सत्यनारायण की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पाली शहर के किराए के मकान में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 5 साल का मासूम घर के आंगन में खेल रहा था। उसकी मां खाना बना रही थी। खेलते खेलते मासूम घर के बने हौद में जा गिरा। करीब 2 घंटे बाद मां अपने कामकाज से फ्री हुई तो मासूम को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। हौदे का ढक्कन खुला देखा, उसमें झांक कर देखा तो मासूम नजर आ गया, जिसे तुरंत बांगड़ अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि महावीर नगर कच्ची बस्ती निवासी सलीम खान अपनी पत्नी व बच्चे के साथ केशव नगर में किराए के मकान में रहता था। खेलते समय 5 साल का हरकान हौद में जा गिरा, जिसकी डूबने से मौत हो गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।